हेलो बाबू, कैसे हो आप? तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग लेकर आए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बेहतरीन टॉपिक होगा। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, एक क्वेश्चन देंगे जिसे बनाकर आपको भेजना है मेरे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के कमेंट में। तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, आज हम लोग देखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो आखिर सेल इतना इंपॉर्टेंट कैसे है और क्या जरूरत है सेल की इंपॉर्टेंस, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, आखिर करते इससे क्या है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप जाइएगा तो स्टेशन पर आप रहते हैं तो स्टेशन पर देख रहे हैं बैटरी हाउस लिखा रहता है, मेडिकल्स में जाते हैं मेडिकल में तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखते होंगे या बैटरी हाउस लिखा रहता है, तो वहां बहुत सारे सेल्स को कंबाइंड किया जाता है और उससे उसको ऑपरेट किया जाता है, बहुत सारे चीजों को ऑपरेट किया जाता है उन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से। तो इस चीजों को आज हम लोग समझेंगे बिल्कुल, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का समझने का प्रयास करते हैं। तो एक फिगर देखिएगा और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही आप फिगर देखने लगेगा तो इसका फिगर ध्यान से देखिएगा, फिगर ही इसका इंपॉर्टेंट है। तो हम लेते हैं एक सर्किट यहां पर, ए पहला, और ध्यान से देखिएगा, ऐसा। तो अब हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर क्या है, तो आप कहेगा सर तो सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, सीरीज कॉम्बिनेशन ही है, तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, जब दूसरा हो जाएगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह हो जाएगा। तो सीरीज भी हो गया, पैरेलल भी हो गया, तो यही हो गया मिक्स्ड, ठीक है? तो मतलब इसमें उसमें भी है, इसमें भी, तो इसका मतलब अब ध्यान से देखिए ना, एक और सर्किट बनाते हैं इसका सेकेंड। फिर अगला, फिर इसके बाद, तो ध्यान से देखिएगा इसको, कम्बिनेशन थोड़ा सा समझना जरूरी है। और यही से इसको तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब आप कहिएगा सर इसमें क्या होने वाला है, तो एक बात ही याद रखिएगा, इस सारे सेल जो है, जैसे आप कंबाइंड हम लोग करते हैं तो स्टेशन पर अगर आप देखिएगा, चाहे मेडिकल मेडिकल स्टोर्स में देखिएगा तो मेडिकल में देखिएगा, हॉस्पिटल्स में देखिएगा तो 12 वोल्ट के बैटरी बहुत सारे कंबाइंड किए जाते हैं आजकल। तो एक कॉम्बिनेशन के लिए एक और चीज आपको समझा देते हैं, सोलर प्लेट भी सेल की तरह कंबाइंड किया जाता है। देखते होंगे आप लोग जहां पर टावर होते हैं तो टावर के पास 10-12 प्लेट्स लगाए हुए रहते हैं, तो 10-12 प्लेट्स लगाए रहते हैं, तो इसका मतलब हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो उनको कंबाइन करते हैं। और बहुत जगह पर सेफ्टी पर्पस के यूज से भी हम लोग सेल को कैसे कंबाइन कर लेते हैं, तो सिर्फ एक बात है ध्यान रखना। अब आप कहेगा सर इसका यूज कैसे ना, मतलब आप इसको समझाइए कि हाँ इसका क्या फायदा हो रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर अगर यहां मान लो कि 10 बैटरी है तो 10 बैटरी है 12 वोल्ट प्रत्येक का है, तो वोल्टेज का अगर लिया जाए तब तो 120 वोल्ट है, तो 120 वोल्ट यहां भी, 120 वोल्ट यहां भी, 120 वोल्ट यहां भी, और 120 वोल्ट यहां भी, n अगर है, अगर n है तो n तक 120 वोल्ट है, ठीक है? अगर हम कहते हैं एक लेट्स से एग्जांपल लो कि अगर ये सर्किट कट जाए, ये सर्किट कट जाए तो भी 120 वोल्ट ही रहेगा सर, ये भी सर्किट कट जाए तो,
तो भी 120 वोल्ट ही रहेगा, ए भी कट जाए तो भी 120 वोल्ट ही रहेगा। मतलब इसमें सर्किट डिस्कनेक्ट होने से, ये कटने से फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे कट जाए तो तब तो फर्क पड़ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहां पर सर्किट जुड़ा हुआ है तो सबका, इसको कहते हैं हम लोग ई, कह लें E1, E2, EN, और एक बात याद रखिएगा E1, E2, EN सब इक्वल है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हाँ इसके लिए क्या, ये भी E1, E2, लेकिन अब E1 कैसे ले लें सब जगह, तो इसका मतलब है कि दूसरे के लिए, तीसरे के लिए ऐसे करके ले लें, यहां भी E1, E2, E3 ही है। अब हम यहां पर क्या ले रहे हैं, तो R1, R2, RN, एक चीज है यहां तक क्लियर हो गया। और एक बात याद रखिए, अब इधर में जो कॉम्बिनेशन है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ऐसे n तक है, लेकिन ऐसे जो कॉम्बिनेशन है जो हम ले रहे हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन, इधर वाला कॉम्बिनेशन, तो इधर वाला जो कॉम्बिनेशन है ना बाबू, इसमें m है, मतलब 1, 2, 3, 4 नहीं, मतलब 4 जो होने वाला है, तो इसके अंदर में बहुत सारे हैं, जिसका मतलब हो गया इसको हम ले लेते हैं, अगर हम आई ले कंसिडर करें तो I1, I2 ऐसे करके यहां पर IM, मतलब इसके लिए M, इसके लिए M ले लेते हैं, ठीक है। तो क्यों N क्यों नहीं ले रहे हैं सर, तो N अगर लेंगे तो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे हम, कैसे कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, तो देखो बाबू अब इधर भी N है, इधर भी अगर N ले लें तो N से N तो कट जाएगा ना, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इधर में M ले लिए हैं आप लोगों के सुविधा के लिए। यहां 3 फिगर बनने वाला है, बहुत ही आसान होगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक बात है और, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं कि आप लोगों को दिक्कत कम हो, ठीक है। तो ऐसा करके हैं, अब ध्यान से देख लीजिएगा पूरा सर्किट जो है, अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि ऐसे भी कनेक्ट है, ऐसे भी कनेक्ट है, ऐसे ऐसे कनेक्ट है, तो हम एक ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो सॉल्व करोगे बाबू तो फॉर फर्स्ट ईएमएफ ऑफ अ सेल, तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल ईएमएफ। तो टोटल ईएमएफ कैसे में, तो ध्यान रखो ऐसे वाला ले रहे हैं, तो ऐसे वाला लेने लगेंगे टोटल ईएमएफ, तो इसका मतलब हो जाएगा एन। क्यों? क्योंकि सारा जो यहां पर 1, 2, 3 सारा का सारा इक्वल है, अब इसका मतलब क्या है, एन है, तो एन हो जाएगा, तो एन ई हो जाएगा। उस तरह से अगर R1, R2 एन तक है, और याद रखिएगा वहां R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RN है, तो इस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस जो आपका है R इक्विवेलेंट जो होगा, अच्छा मार्कर थोड़ा चेंज करें, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा एन आर। यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं होगा, ये आर इक्यू है, वन सेकेंड, आर इक्यू है, तो आर इक्यू इक्वल टू हो गया है एन आर, और एन ई इक्वल टू हो गया है, सॉरी टोटल ईएमएफ इक्वल टू हो चुका है एन ई, किसके लिए, तो फर्स्ट वायर के लिए, ध्यान से सुनना, फर्स्ट वायर के लिए, तो उसी तरह सेकंड वायर के लिए है, थर्ड वायर के लिए है, एम वायर के लिए, बहुत सारे वायर है ना, तो सबके लिए तो सेम हो जाएगा ना, तो हमारा इक्वेशन कैसा बैठेगा। अब देखो एक और फिगर आ जाएगा यहां पर, तो एक और फिगर कैसा आएगा वो देखो। अब सबसे पहला तो यहां पर ऐसे हो जाएगा, और दूसरा अगर देखा जाए तब चाहे तो हम आप कलर चेंज कर सकते हैं, उससे कलर कलर कोई चीजें नहीं है इसमें, ध्यान से रखना है। ध्यान से देखो, ऐसा हो गया। अब जैसे ही ऐसे हो गया, अब इसको क्या कर सकते हो आप, सॉरी वन सेकेंड, तो अब देखो यहां हो चुका है एन आर, तो सर क्या एन आर इसमें है, तो इसमें भी एन आर है, बिल्कुल एन आर है, तो यहां है एन आर और यहां है एन ई, और आप ये समझ चुके हैं कि हाँ प्लस वाला इधर माइनस वाला है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहां टोटल लोड जो है आर है।
अब हम ये समझ रहे हैं कि एन आर यहां भी है, एन आर ऐसे करके पूरे में दिया हुआ है, और इधर में जो सेल्स की संख्या था एन था, लेकिन इधर में एम लाइन है। तो लाइन जब एम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो ध्यान से देखो तो इसमें एन में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा टोटल ईएमएफ। तो सबसे पहले इसके लिए लिखेंगे टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ इसका हो जाएगा एनई। ध्यान से देखना आप एग्जाम्स में, अगर एग्जाम्स में तो ऐसे पूछेगा नहीं, पूछ लिया तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले इसको बनाएंगे, उसके बाद इस दो लाइन को लिखेंगे, अब इस दो लाइन को लिखने के बाद फिर इस फिगर को बनाएंगे, फिर यहां पर लिखेंगे, तो टोटल ईएमएफ एनई ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या लिखेंगे आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/REQ, तो 1/REQ = 1, अब बाय ध्यान से देखो तो 1/NR प्लस M/NR, तो ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन इसलिए आता है कि कितना लाइन है इधर में M, तो M होने वाला है। तो अब देखो तो एक लाइन और हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/REQ, तो 1/REQ = हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा तो सारे का एलसीएम एनआर हो जाएगा, एलसीएम तो एनआर होने वाला ही है, एलसीएम एनआर लिख दिए। और ऊपर में कितना हो जाएगा, तो देखो ना ऊपर में पूरा जब जोड़ देंगे तो एम लाइन है तो एम हो जाएगा। तब एक और इक्वेशन मतलब एक और सर्किट आ जाएगा, इसका एक और सर्किट बनेगा, तो एक और सर्किट बना दो, अब ध्यान से देखो जैसे ही आप देखोगे तो इसको उलटना पड़ेगा, क्यों इसको उलटना पड़ेगा आर इक्यू को, तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट 1/R है ना, हमको तो आर चाहिए ना, तो आर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा एन आर बाय एम, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रहे एन ई, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, हम इसको अलग कलर से लिख देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को सही से समझ में, ओके एन ई का मतलब यहां ई ऐसा होगा, ठीक है। और एनआर बाई एम तो यहां पर है कॉमन सा, यहां पर लोड आर लिखा हुआ है, तो ये अब थर्ड सर्किट हो गया, फर्स्ट सर्किट हो गया, सेकंड सर्किट हो गया, इस दो लाइन के बाद, इस तीन लाइन के बाद, फिर थर्ड सर्किट हो गया। अब इसके बाद भी एक और लैंग्वेज मतलब लिखा जाएगा, तो फिर क्या होगा यहां पर, तो टोटल ईएमएफ अब देखेंगे हम लोग, टोटल ईएमएफ तो टोटल ईएमएफ हमारा एन ही हो चुका है। अच्छा तो हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस देखते हैं, तो एनआर बाई एम हो चुका है, ठीक है ये भी समझ गए, और उसके बाद तो यहां पर क्या है, तो लोड कितना है, तो आर है, अच्छा तो अब तो पूरा निकल गया है, तब हम किसके फेवर में पढ़ेंगे, तो आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू सर क्या होगा, तो आई इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है, तो आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अब बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ हमारा कितना है, तो टोटल ईएमएफ है एन ई, और तो टोटल ईएमएफ एन ही हो गया। अब हम देखेंगे टोटल रेसिस्टेंस कितना है, तो आर कैपिटल अब प्लस, अब ध्यान देते हैं एक और आर है यहां पर जो सर्किट मतलब सीरीज में ही है, तो सीरीज में कितना है, तो सीरीज में है एन आर अब आई, तो हम क्या कर सकते हैं, अब तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो सॉर्ट आउट करने लगेंगे तो आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई, यहां पर क्या हो जाएगा, तो एम आर प्लस एन आर बाई एम ऐसा हो जाएगा, तो जो एम है नीचे में वो ऊपर चला जाएगा, तो अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो ध्यान से देखते हैं। अब हमारे पास तो ज्यादा लाइन नहीं बचा है, हम थोड़ा सा इधर इधर लिख देते हैं, तो लास्ट फॉर्मूला है, तो जैसे ही एम ऊपर जाएगा तो इसमें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा कंप्लीट आई इक्वल टू, ध्यान से देखो एन एम ई अबाई एम आर प्लस एन आर, ये रहा आपका कंप्लीट फॉर्मूला मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। तो आई इक्वल टू हो गया एन एम ई बाय एम आर प्लस एन आर, और आप ये समझ रहे हैं कि जो बैटरी सेल्स की संख्या थी ऐसे में वो एन, और ऐसे में लाइंस कितने तार यूज किए गए थे तो एम। अब इसका मतलब कि आपका यहां नंबर हो सकते हैं, एन और एम की जगह पर नंबर दिए रहेंगे, आप उसको बना सकते हैं।
अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और एक क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसे आप बनाएगा, लेकिन क्या आप कहेगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का? नहीं, बिल्कुल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का नहीं देंगे हम, एक सर्किट का देंगे। अगर एक सर्किट का आप बना लेते हो तो एम के लिए तो आप आराम से निकाल लोगे। अरे यहां पर एन ई जब जानते हो, आर एन आर जानते हो, तो एम सिर्फ रखना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल के लिए कितना लाइन रखेंगे तो उसको सिर्फ रखेंगे और निकाल लेंगे कि आई कितना होगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसको हटाकर कि कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं और उस क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग। इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक सर्किट है जो कनेक्शन कैसा है सो देख लीजिए। ये प्रत्येक सेल जो है ये 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2, ठीक है। और इंटरनल रेसिस्टेंस जो इसका है 0.5 ओम, और जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर जो है, कैपिटल आर जो है, ये दिया हुआ है 5 ओम। अब कह रहा है क्या कि आई निकाल दीजिए, आई निकाल दीजिए, वेर वेर एन इक्वल टू जो कितना बैटरी लगा हुआ है, तो कितना बैटरी लगा हुआ है, तो 10 बैटरी लगा हुआ है, 10। अब इसमें यूनिट मत सोचना, 10 का यूनिट नहीं होगा, अरे 10 बैटरी लगा हुआ है, प्रत्येक बैटरी 2 वोल्ट का है, और ये 0.5 ओम है, सब में ओम है, ठीक है, 0.5 ओम 0.5 इंटरनल रेसिस्टेंस है, और जो लोड है उसका 5 ओम का है। तो बताना है कि इसमें आई कितना होगा। तब तो आप लोग सीरीज का फॉर्मूला जानते होंगे, तो सीरीज का फॉर्मूला नहीं भी जानते होंगे तो हम आपको समझा देते हैं कि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू, 1 सेकेंड, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो मतलब सीरीज का फॉर्मूला देखेंगे तो सीरीज का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू क्या होता है यार, तो आई इक्वल टू देखो एन ई, अच्छा लाइन में है तो एन ई, तो हम यहां लिख लेंगे एन ई कहिए उसको, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो एक और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो आर प्लस एन आर, ये तो कॉमन सी बात है, क्यों ऐसा होगा, तो हम आपको बता ही रहे हैं। जो बैटरी जोड़ते हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर के नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिछले जो सीरीज का है और पैरेलल का है दोनों का दिया हुआ है, उस लिंक को खोलकर देख लें, उस वीडियो को, ज्यादा आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो आई बराबर एन आर प्लस एन आर है, ठीक है, इतना तक तो है। अब आई बराबर जैसे ही हम लिखने लगेंगे तो यहां आई बराबर क्या हो जाएगा, तो एन के जगह पर कितना होना है, तो एन के जगह पर 10 बैटरी है, तो 10 बैटरी है तो 10 गुना, अब प्रत्येक का ई कितना है, तो 2 है, ठीक है, तो लिख दिए हम। अब उसके नीचे में आर, तो कैपिटल आर कितना है, तो कैपिटल आर इक्वल टू 5 है, ठीक है। और उसके बाद एन कितना है, तो एन के जगह पर है हमारा 5, ध्यान से सुनना, एन के जगह पर है 10, और 10 यहां पर कितना है, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5, तो 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आई इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, तो आई इक्वल टू आ जाएगा 20/5 प्लस 5, तो 5 और 5 तो ऐड हो जाएगा ना, तो 5 और 5 ऐड हो जाएगा, तो I इक्वल टू हमारा हो गया 20/10, तो 20/10 कट जाएगा, तो I इक्वल टू कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। ए हो गया आपका 2 एम्पियर जो हुआ यहां पर, जो कॉमनली हम देख लिए कि 2 एम्पियर हो गया, तो 2 एम्पियर इसका करंट हो गया, क्लियर हो गया। अब ये फ्लो किधर से होगा, तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन तो आप जानते हैं कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन कैसे होगा, कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत है। तो अब तो ये आप लोग बना लिए होंगे, बिल्कुल आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को घर से जो बनाना है, अब इसको हम हटा देते हैं, और I बराबर 2 एम्पियर आप देख चुके हैं, अब जो घर से बनाना है उसको हम दे देते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बैटरी की संख्या 10 ही लेते हैं, और बैटरी की संख्या 10 है, यहां पर 1.3 है, सॉरी 0.3 एम्पियर है, और यहां पर 15 ओम है। अब बताना है आपको कि I इक्वल टू कितना होगा,
तो आई इक्वल टू आप बनाकर मेरे इस यूट्यूब जो आप देख रहे हैं इसके कमेंट बॉक्स में भेज दें या मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज दें। और बहुत आसान है, अभी तक हम लोग देखे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का लास्ट मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखे हैं, और इसके बाद जो हम लोग का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है क्रिचॉस लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है क्रिचॉस लॉ। और क्रिचॉस लॉ के बाद हम लोग दो तीन दिन तक कुछ वीडियोज देखेंगे, तो इसके बाद के वीडियोज देखने के लिए बहुत अच्छी सी बात है। और जल्द ही आप लोगों के नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स, मेरा नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा जिसे आप आराम से देख सकते हैं। बहुत जल्द ही पीडीएफ नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा जिसको आप लोग डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को इस वीडियो में। अभी तक आज जिस दिन अपलोड हो रहा है उस दिन तो नहीं, लेकिन हाँ आप इसके बाद देख रहे हो, कुछ दिनों बाद देख रहे हो, तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लें, वहां पर पीडीएफ लिंक मिला रहेगा, उससे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं मेरा और पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो देख लिए होंगे अभी तक, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।